हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। एक बार फिर से मैं आप सबों के समक्ष एक बहुत ही प्यारा सा परंतु मोटिवेशनल स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। हमारा आज का ये जो स्टोरी है, ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में अवसर मौके आते हैं, किंतु कई बार या तो हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं या फिर कई बार उस अवसर को जानते हुए भी मूर्खतापूर्ण ढंग से उसे खो देते हैं, जिसका बाद में हम सभी को पछतावा होता है। तो हमारा ये जो कहानी है, पूरा अवश्य सुनिएगा, अदरवाइज यदि आपके पास समय नहीं हो तो आप अभी वीडियो स्कैप कर सकते हैं, आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक किसान का है जो अपने हल बैल के साथ अपने खेतों में काम कर रहा होता है, जुताई का काम कर रहा होता है। उसी दौरान उन्होंने देखा कि उसे खेत में कोई चमकती हुई वस्तु, कोई चमकता हुआ पत्थर नज़र आता है। आप सभी जानते हैं कि अक्सर खेती के दौरान, जुताई के दौरान खेतों में कुछ से कुछ मिलते रहता है। तो जैसे ही किसान की नज़र उस चमकीले पत्थर पे पड़ा, जो कि उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि वो अपने बैल से, अपने मवेशी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उस चमकीले पत्थर को बैल के गले में एज ए शोभा की वस्तु जानकर टांग दिया। और अपना काम खत्म करके जब वो घर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक जोहड़ी मिला। जोहड़ी वही जो रत्नों और आभूषणों की परख रखता है। तो जैसे ही उस जोहड़ी की नज़र बैल के गले में लटकता हुआ उस चमकीले पत्थर पे पड़ा, उसे एक क्षण भी नहीं लगा पहचानने में कि ये एक्चुअली चमकता हुआ पत्थर कुछ और नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। और बैलों के गलों में उसे झूलता देख उसे पता चल गया कि जरूर किसान को इस चमकीले पत्थर के विषय में पता नहीं है। और उस जोहड़ी के मन में लालच जगा, और उस लालच के कारण वो उस हीरे को, जो कि किसान के नज़र में एक चमकीला पत्थर था, उसे अपनाना चाहा, किसी तरह उनसे लेना चाहा। तो उन्होंने किसान से बात किया कि देखिए, ये जो आपके बैलों के गले में जो चमकता हुआ पत्थर है, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? बदले में आप चाहें तो हमसे कुछ रुपया पैसा ले लें। तो किसान ने कहा, चलो ठीक है, यदि आप इसके लिए कुछ पे करना चाहते हैं, कुछ चुकाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो जोहड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए 100-200 जो रुपया आप चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। तो यह सुन किसान ने कहा कि ठीक है, आप 200 रुपया दे दीजिए, मैं आपको ये पत्थर देने के लिए तैयार हूँ। इस पर उस जोहड़ी के मन में थोड़ा और लालच जगा, क्योंकि वो जानता था कि निश्चित ही किसान इसके बारे में पता नहीं है, किसान को इसके बारे में, इसके विषय में पता नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या है। तो सोचा कि क्यों ना इसे काफ़ी सस्ते में इससे ले लिया जाए, इसके लिए 200 रुपया क्यों वेस्ट करना। तो उसने किसान से थोड़ा बार्गेनिंग करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसका 100 रुपया दूंगा, यदि आप चाहो तो मैं तैयार हूं इसका 100 रुपया देने के लिए। इस पर किसान ने कहा कि नहीं नहीं, यदि आप 200 रुपया देने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको ये दे दूंगा। इतना बोल के किसान आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद, कुछ सोचने के बाद, वो जोहड़ी फिर वापस किसान के घर आया और कहने लगा कि ठीक है ठीक है, मैं इसके लिए 200 रुपया आपको देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे वो चमकीला पत्थर दे दो। इस पर किसान ने कहा कि कौन सा चमकीला पत्थर, वो तो मैं किसी और को बेच चुका हूँ,
आपके जाने के तुरंत बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया और उस चमकीले पत्थर के लिए उन्होंने 500 रुपया देने लगा। मैंने 500 रुपये में वो पत्थर उसे दे दिया। इस पर वो जोहड़ी जो था वो तो अपना सर पकड़ के बैठ गया और जोर जोर से किसान के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि वो चमकीला पत्थर क्या था? वो चमकीला पत्थर कुछ और नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। तुमने उस करोड़ों के हीरे को 500 रुपये में दे दिया। इस पर किसान मुस्कुराते हुए उस जोहड़ी से बोला कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो। मुझे तो वाकई में उसके बारे में, उसके विषय में नहीं पता था कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेकिन तुम्हें तो पता था। फिर तुमने 100 रुपये के लिए इतने बार्गेनिंग क्यों किए? तुमने वो उस समय 200 रुपये में जब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार था तो फिर क्यों नहीं ले लिया? तब जा करके उस जोहड़ी को सच में अंदाजा हुआ कि वाकई में गलती मेरी है। मूर्खतापूर्ण ढंग से मैंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, एक अच्छा मौके को खो दिया। तो बताइए आपको यह स्टोरी कैसा लगा और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? ठीक इसी प्रकार हम सबों के जीवन में भी कई बार अवसरें आते हैं किंतु हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, या फिर कई बार मूर्खतापूर्वक उस अवसर को गवा देते हैं जिसका हमें बाद में अत्यंत पछतावा होता है। तो सफल इंसान वही है जो अवसरों का भरपूर फायदा उठाए, समय रहते अवसरों को पहचाने और फिर अपना जीवन सफल बनाए, उसका आनंद ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।